दोस्तों वेलकम है एक बार आपका फिर से दोपहर फूड्स में। आज हम बनाएंगे फिश कराई रेस्टोरेंट स्टाइल। दोस्तों बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है, आप भी मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और देखिए कितनी आसानी से हम ये फिश करी बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है और आज हम ये करी बना रहे हैं सरसों के ऑयल में। और सरसों का ऑयल हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है और करीब 6 से 8 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। देखिए हमारा सरसों का तेल अच्छे से पक चुका है और हमने यहाँ पे यूज़ किया पंकज फिश और करीब क्वांटिटी में ये 2 kg है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यही पंकज फिश है। और दोस्तों पीस हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ के रखे हैं ताकि फ्राई होने में बड़ी आसानी से ये फ्राई हो जाए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और एक एक करके ये जितने भी पीस हैं हम इनको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी में 2 kg है तो एक टाइम में हमारी कढ़ाई में करीब 600 से 700 ग्राम तक ही फ्राई होंगे। 3 स्टेप में हम इनको फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के वीडियो मिलेंगे, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी फ़िश फ्राई हो रही है और अब 2 से 3 मिनट बाद में हम इनका साइड चेंज कर देंगे। और दोस्तों यही राय दूंगा, अगर आप भी ये रेसिपी बनाओ अपने घर पे तो आप सरसों के तेल में ही बनाओ, क्योंकि सरसों के तेल का जो स्वाद होता है वो रिफाइनरी तेल से बिल्कुल हटके होता है। ये देखिए फिश का कलर चेंज होने लग गया है और करीब फिर 3 से 4 मिनट हम इनकी साइड भी चेंज करते रहेंगे। लगे आपको ये गोल्डन ब्राउन हो गई है तो आप इनको बाहर निकाल लीजिए। और निकालने के टाइम अगर टिश्यू पेपर है तो ठीक है, वरना न्यूज़ पेपर पे भी आप इनको निकाल सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो ये इनके अंदर ही रह जाएगा। और बाकी जो हमारे और पीस है उनको भी हम सेम इनकी तरफ फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब बाकी पीस है उनको भी हम उसी तरह फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ये लिंक भी आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे ये वीडियो देख सके। अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय रखिए। अगर आप कि कोई नई फरमाइश है कोई नई रेसिपी को लेके तो प्लीज़ हमें बताएं, वो भी ट्राई करेंगे कि वो भी हम बनाएं। और फिर से हमारी ये फिश अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और बाकी जो ये ऑयल बचा है यही ऑयल हम यूज़ करेंगे, आप आगे वीडियो में देखोगे, क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा है और हमें जो रेसिपी बना रहे हैं उनमें ऑयल कम चाहिए तो बाकी का ऑयल बचा के रख लेंगे। कभी भी आप नेक्स्ट टाइम फ्राई करो तो ये ऑयल यूज़ भी कर सकते हो। ये देखिए हमारी फिश फ्राई हो चुकी है और फिर से हमने कढ़ाई को साफ़ करके फिर गर्म कर लिया था और इनमें ऐड करेंगे वही सरसों का ऑयल जो हमने बाहर निकाल लिया था, और बाकी ऑयल है उनको भी बचा के रख देंगे। जितना ऑयल हमें चाहिए उतना ऑयल हमने ऐड कर लिया था। ये देखिए गर्म भी अच्छे से हो चुका है। कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता 4 से 5 पीस, काली मिर्च 12 से 15 पीस, लौंग 12 से 15 पीस, जीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 से 3 स्टिक और बड़ी इलायची 5 पीस। हमने यहाँ पे छोटी इलायची यूज़ नहीं की है तो बड़ी इलायची ही यूज़ की है।
और करीब 2 से 3 मिनट हम इनको पकाएंगे ताकि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था पहले। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज 4 से 5 पीस। इनको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया था और अब इनको करीब फिर से चार से पाँच मिनट हम इनको पकाएंगे ताकि हमारे प्याज अच्छे से टेंडर हो जाए। और दोस्तों ये देखिए 5 मिनट बाद में हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से गल भी चुके हैं। अब इनमें हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर 2 से 3 पीस और इनको भी बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया था, और साथ में 12 से 15 पीस हमने यहाँ पे हरी मिर्च यूज की है, और ये हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी है। आप इनको साबुत ही यहाँ पे ऐड करें, काटे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रेसिपी आज हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने वाली है। अब फिर 4 से 5 मिनट हम इनको पका लेंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे। ये देखिए करीब 5 मिनट बाद में हमारे टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, हरी मिर्च भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है, और हो सके तो आप इनको थोड़ा थोड़ा मैश कर लीजिए ताकि हमारे टमाटर वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब इनमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर करीब 4 से 5 मिनट इनको पकाएंगे। आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम और हाई पे ही रखें, और हो सके तो आप इनको लगातार हिलाते रहिए। ये देखिए हमारे अदरक और लहसुन की खुशबू भी बड़ी शानदार आने लग गई है, और इनको हम लगातार हिलाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों करीब 5 मिनट तक हमने इनको पकाया, हमारे प्याज और टमाटर बिल्कुल यहाँ पे गल चुके हैं और मसाले में खुशबू भी बड़ी शानदार आने लग गई है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़ किया है लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 4 टेबल स्पून, नमक हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून यूज किया है। लास्ट में अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों करीब 4 से 5 मिनट तक ये मसाले हम पकाएंगे और लगातार इनको आप हिलाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई के पेंदे में चिपकने का डर रहता है, तो लगातार आप इनको हिलाते रहिए क्योंकि बड़ी जल्दी ये पक के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए मसाले का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और खुशबू भी बड़ी शानदार आने लग गई है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 kg दही, क्योंकि फिश में जो मज़ा दही का है वो इमली का नहीं रहता, चाहो तो आप इमली का पानी भी ऐड कर सकते हो। और इनको अच्छे से मिक्स करके करीब 10 से 12 मिनट हम इनको पकाएंगे और लगातार इनको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाले पिंदे में चिपके नहीं। ये देखिए दोस्तों करीब 10 मिनट पकाने के बाद में हमारे मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है, यानी मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो हमारी क्वांटिटी मछलियों की ज़्यादा है 2 kg, तो वो हिसाब से हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना ही पानी ऐड कर लीजिए, और ध्यान रहे पानी ऐड करने के टाइम आप यहाँ पे गर्म पानी ही यूज करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें इसमें। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए जैसी वैसा ही पानी ऐड कर लीजिए, और फिर करीब 4 से 5 मिनट तक हम इनको पकाएंगे ताकि हमारा पानी है वो अच्छे से पक जाए। और आप यहाँ पे नमक भी चेक कर सकते हो, लगे आपको नमक कम है तो आप नमक ऐड कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों जितनी हम
हमें ग्रेवी चाहिए थी वही हिसाब से हमने पानी ऐड कर लिया था। और अब ये मेन सीक्रेट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। मुट्ठी भर कसूरी मेथी ऐड करने के बाद में इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और खुशबू भी बड़ी शानदार आ रही है। अब जो फिश हमने फ्राई की थी एक एक करके सब इनमें ऐड कर लेंगे। और दोस्तों बस ये बात का ध्यान रहे कि आप इनको ज़्यादा हिलाए नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा हिलाओगे तो ये फिश टूटने का डर रहेगा। और यकीन मानिए दोस्तों सेम हमारी ये रेसिपी को देख अगर आप बनाओगे तो आप भी याद रखोगे। और जब सर्व करने का टाइम आए तो आप इनको चपाती, नान, प्लेन राइस, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और कढ़ाई को हम फिर कवर कर लेंगे 4 से 5 मिनट। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट बाद में और मीडियम फ्लेम पे हमने, लो फ्लेम पे हमने यहाँ पे रखा था, हमारी फिश अच्छे से मसाले में मैरिनेशन हो चुके हैं और हमारा फिश कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला तैयार है। अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों आप इनको नान, चपाती, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।